Hello guys, how are you all? I'm Assistant Professor Mona and I welcome you all to my YouTube channel. And before starting my lecture, I want to tell you guys that if you are preparing for any of the competitive exam, this video lecture series will be helpful for you. And this is the initiative running by me alone. And I want to tell you guys that if I make any kind of mistake, so please suggest me how can I improve my lecture. Okay, so let's start our today's lecture, and today we are going to discuss the short and sweet biography of Charles Lamb. So here we go and let's start our lecture. So today we are discussing the biography of Charles Lamb, and when we talk about the Charles Lamb, as you can see on your screen guys, that Charles Lamb birth date is 10th Feb 1775 and his death on the date 27 December 1834. Okay, and when we discuss about the school of Charles Lamb, I have seen one question in the some kind of exam that please tell the name of the Charles Lamb school. So the name of the Charles Lamb school is Christ Hospital Med by King Charles. Okay, so please keep remember the school name, Christ Hospital School. Okay, and his father name is John Lamb and he was lawyer. And when we talk about his sister's name, so his sister is Mary Lamb, and Mary Lamb or uncle Charles Lamb ka ek bahut strong bond jo tha, bahut zyada strong bond tha. Aur yahan pe inka itna zyada strong bond tha brother and sister ka ki इनकी लाइफ में जो ट्रेजेडीज हुई हैं, वो कुछ ट्रेजेडीज जो हैं वो मैरी लैम्ब से भी एसोसिएट हैं, बिकॉज मैरी लैम्ब वॉज नॉट मेंटली स्टेबल एंड वंस शी स्टैब्ड हर मदर विद नाइफ. ओके, सो जब इन्होंने अपनी मदर को स्टैब किया तो इनकी मदर की जो डेथ हो गई थी, एंड यहाँ पर जो मैरी लैम्ब को मेंटल असाइलम सेंड किया गया था, और जब वो मेंटल असाइलम गई थी तो चार्ल्स लैम्ब ने उनको बिल्कुल भी अलोन नहीं छोड़ा था, एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट चार्ल्स लैम्ब ने उनको पूरी तरह से साथ दिया था, एंड ही टेक केयर ऑफ हर. सो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब बहुत ज्यादा अपनी सिस्टर को, मैरी लैम्ब को बहुत केयर करते थे, एंड एक्चुअली चार्ल्स लैम्ब ने पूरी लाइफ में अपनी मैरिज भी नहीं की थी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर मैरी लैम्ब, हिज सिस्टर मैरी लैम्ब सॉरी. एंड यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी एली सिमोन्स. ओके, सो यहाँ पर इनकी गर्लफ्रेंड थी एली सिमोन्स, शी वॉन्टेड टू मैरी चार्ल्स लैम्ब, बट चार्ल्स लैम्ब अपनी सिस्टर को टेक केयर करना चाहते थे, एंड वो एंड शी वॉज नॉट मेंटली स्टेबल. सो यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी जो गर्लफ्रेंड एली सिमोन्स थी, वो उन्होंने इनको चार्ल्स लैम्ब को छोड़कर एक सिल्वर स्मिथ थे उनसे शादी कर ली थी. एंड यहाँ पर जब एली सिमोन्स ने सिल्वर स्मिथ से मैरिज की थी, तब यहाँ पर क्या हुआ था, चार्ल्स लैम्ब ने इस मैरिज को ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट कहा था. ओके, सो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन भी देखा गया था कि चार्ल्स लैम्ब ने जब एली सिमोन्स से शादी की, एली सिमोन्स ने जब सिल्वर स्मिथ से शादी की थी, तो चार्ल्स लैम्ब ने उसको क्या कमेंट किया था. सो द कमेंट वॉज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. Please keep remember this point, okay? And the name of the Charles girlfriend name also. It is important. Why it is important? Because Ellie Simmons appeared in the essays of Elia under the pseudonym of Alice M. This is the question once in UGC NET exam. So please keep remember all this point. Okay? चलिए move on करते हैं. And please keep remember the biographer name also. The name of the biographer of Charles Lamb is E.V. Lucas. Please keep remember all this point. Okay? चलिए move on to next point, and I hope आपको ये जो मैंने point discuss किए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो please आप मुझे comment में बता सकते हैं. चलिए move on to next point. So, जब यहाँ पर हम चार्ल्स लैम्ब के वर्क की बात करते हैं, तो ब्लैंक वर्ड्स इनका एक वर्क था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1798 में रिटर्न है. एंड 1798 जो डेट है, ये इंग्लिश लिटरेचर में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1798 में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया था, एंड द वर्क वॉज लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ इन द कोलाबोरेशन ऑफ सैमुअल टेलर कॉलराइज. सो यहाँ पर अब एक चीज सोचने वाली बात है,
कि सैमुअल टेलर कॉलराइज जो है वो चार्ल्स लैम और विलियम वर्डवर्थ दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं। सैमुअल टेलर कॉलराइज इनके चार्ल्स लैम के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड भी थे एंड इन्होंने एक इनको मॉर्निंग रिंग भी सेंड की थी चार्ल्स लैम और मैरी लैम को। ओके सो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स याद रखना बिकॉज एक बार यूपी बीजेटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था हु वॉज द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम। सो यहाँ पर एस टी कॉलराइज आंसर था। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ कि बायोग्राफीज में जैसे 1798 में कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्डवर्थ का वर्क इंपॉर्टेंट है, किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है, कितनी पोएम से विलियम वर्डवर्थ ने लिखी है, कितनी पोएम एस टी कॉलराइज की है एंड यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट पोएम कौन सी है, लास्ट पोएम कौन सी है। सो ये सारी जो चीजें होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज कीप रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स ओके बिकॉज वन डे एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं किसका वर्क किसने लिखा है, किसने क्या कमेंट किया है, किसने प्रेज किया है, किसने क्रिटिसाइज किया है, ये सब चीजें ऑल दिस थिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है इनके वर्क्स की, ये लिस्ट आप लोग टेक द स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो मैं बताना चाहूंगी। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये इन्होंने मैरी लैम के साथ कोलेबोरेशन में लिखा था एंड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ द शेक्सपियर 1807 में। ओके सो ये दोनों वर्क इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर शेक्सपियर के बारे में दोनों इंपॉर्टेंट इन्होंने वर्क लिखे हुए, क्यों लिखे हुए हैं बिकॉज शेक्सपियर को ये बहुत एडमायर करते थे। ओके एंड द नेक्स्ट वर्क एसेज ऑफ एलिया, इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको इसके बारे में बता दी है ठीक है एंड लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833 में। अब यहाँ पर दोनों वर्क जो एसेज और एलिया है एंड लास्ट एसेज ऑफ एलिया, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्क्स बिटवीन बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिकॉज दोनों के नाम बहुत ज्यादा सेम है ठीक है। सो प्लीज कीप रिमेंबर दिस थिंग एसेज ऑफ एलिया रिटन इन 1822 एंड लास्ट एसेज ऑफ एलिया रिटन इन 1833। ओके सो यहाँ पर बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लंडन मैगजीन याद रखना, लंडन मैगजीन से एसोसिएट है ये, एसेस ऑफ एलिया लंडन मैगजीन में पब्लिश हुआ था एंड ड्यूरी लैंड जो 1807 में रिटर्न है। ओके सो ये इनके वर्क्स हैं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट एंड प्लीज कीप रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। ओके सो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लाइफ से एसोसिएट है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है एस टी कॉलराइज वॉज हिज फ्रेंड सिस्टर मैरी लैम बायोग्राफर ईवी लुकस, यहाँ पर मैंने ऑटोबायोग्राफर लिख दिया, बायोग्राफर है ये, बायोग्राफर ईवी लुकस है यहाँ पर एंड शी है स्टटर प्रॉब्लम ही हैड सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड स्टटरिंग प्रॉब्लम ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ही आई थिंक ये एक टाइम पर किसी मैगजीन में किसी क्लर्क की जॉब करते थे तो इनकी स्टटरिंग प्रॉब्लम की ड्यू टू स्टटरिंग प्रॉब्लम इनको क्या करना पड़ा था, उस जॉब्स को छोड़ना पड़ा था। सो यहाँ पर ये चीज उतनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं पर प्लीज कीप रिमेम्बर एंड ही हैड वर्कड इन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग सभी जानते ही है। एनी सिमोंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है एंड एसेज ऑफ एलिया पब्लिशर लंडन मैगजीन, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस। ओके चलिए मूव ऑन। ही डाइड ऑफ एरिसिप्लेप्सिस अ काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन। सो यहाँ पर अगर हम स्किन इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये स्किन इन्फेक्शन इनको एक बार स्ट्रीट में हो गए थे उसकी वजह से हो गया था। एस टी कॉलराइज वॉज हिज लॉन्ग फ्रेंड, ये मैंने आपको सारे पॉइंट जो है ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। ओके सो प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट। So this was the short and sweet biography of Charles Lamb, narrated by me. I am Assistant Professor Mona. And if you like the video, please do subscribe and hit the bell icon so you will get the notification when the video uploaded. Okay, guys, thank you so much and thanks for watching my videos. And I will catch you tomorrow. Till then, keep watching and keep learning. Okay, thank you so much.